नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत जल्द आपको मैंने जैसे कहा वादा किया कि वहीं पे नजर आएंगे कनॉट प्लेस में। बहुत जल्द सोमवार से मैं आपको और आपके बीच में और आपकी बात को लेकर उपस्थित रहूंगा। लेकिन आज जो बातचीत है उसको सामने रखना चाहूंगा, हमारे मेहमान उनसे तारुफ कराएं। उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि मसला जो कांग्रेस के भीतर है और जो उसका उसका जो असर है आसपास, वो सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं बात पर, तब तक लौटते हैं और फिर आपसे तारुफ कराते हैं मेहमानों का। पॉलिटिकल सेक्रेटरी एक किस्म के कंसल्टेंट, सलाहकार, ओपिनियन मेकर, इनका अभाव पूरे देश की कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सही आदमी अहमद भाई का रिप्लेसमेंट में सही आदमी आकर अगर संभाल कर पार्टी को संभालते तो शायद ये कोई G23 या ये ग्रुप या वो ग्रुप नहीं होता। ये जो इतने बड़े वकील बने थे, क्या कांग्रेस पार्टी के कोई दान नहीं थे? जब ये मंत्री पद संभाल रहे थे तो उस समय क्या याद इनको नहीं आया था? राहुल गांधी भी पार्टी के नेता है, सोनिया गांधी भी नेत्री है, उनको ये नहीं देखने को मिले उस समय? उस समय राहुल गांधी जी अच्छे लगे, सोनिया गांधी जी को अच्छा लगी, क्योंकि सत्ता पे थे और सत्ता के बाहर है। अभी सब कुछ बुरा लगने लगे, सब कुछ उस समय सुनहरा लग रहे थे, अभी सब कुछ बुरा लगने लगे। घर की कांग्रेस बनाम सबकी कांग्रेस, मुद्दा यहां से शुरू होता है। अब सवाल यह है कि व्यक्ति बड़ा है या पार्टी बड़ी है? अब सवाल इसमें भी कोई नहीं है, सभी को पता है कि पार्टी बड़ी होती है और जो लोग होते हैं वो उसमें काम करते हैं। लेकिन G23 के कुछ बयान जो अभी हैं, आज मौजूद हैं और पब्लिक फोरम पर हैं, उससे पहले कि उन्हें ये नकार दिया जाए कि ये G23 जो है गुब्बारा है, फूला हुआ गुब्बारा है, इसमें कुछ दम नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए, इससे पहले मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूं, सीधे रुख करूंगा सीधे सवाल से। अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभय जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शाजिया इल्मी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगी। अतुल सक्सेना जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आपको भी होली की शुभकामनाएं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, बहुत लंबा दौरा करके यूपी से आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी, होली की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। अबे दुबे जी सीधा सवाल है, उसमें ज्यादा कोई लाग लपेट नहीं है, क्योंकि सब आपको भी मालूम है, आपने भी तैयारी है की है और जानते हैं संघ उन सब मुद्दों पे जाएं। उससे पहले मैं जो अपने नुक्ताए नजर से जो डिबेट में आया हूं वो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर या फोरम के बाहर जहां भी कोई ये कहता है कि ह्यूमन टच नहीं है पार्टी में, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है। किसी व्यक्ति में या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये बात है कि ह्यूमन टच नहीं है, और यानी इसका मतलब है कि जो नब्ज है उससे बहुत दूर है, कहीं उस पर हाथ ही नहीं है पार्टी का। सोनिया के बाद सही आदमी ने पार्टी नहीं संभाली, और यह सवाल उसी से जुड़ा है जो कि कही गई। मैं सीधा आपको देता हूं, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है मसला और कब तक हल होगा यह मसला। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जहां देश को की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की है, देश की प्रजातंत्री व्यवस्था को बचाने की है, देश को एक ऐसी व्यवस्था से बचाने की है जो पूरी तरह व्यक्ति केंद्रित हो गई है। आज देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की जो परेशानियां हैं उसको मुखरता से अगर कोई उठा रहा है वो राहुल गांधी जी है, वो कांग्रेस पार्टी। अभय जी, अभय जी माफी के साथ, अभय जी आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, पर्सनली भी मैं जानता हूं, बेहद अच्छे इंसान हैं। सवाल सीधा ये था और सीधा जवाब ये हो सकते हैं, हाँ वो सही कह रहे हैं, यहां से नहीं शुरू किया आपने, या गलत कह रहे हैं ये आपने नहीं कहा। मैंने सीधा सवाल पूछा था कि पार्टी के नब्ज पे हाथ है या नहीं है, संगठन में ह्यूमन टच खत्म हो गया है। इस संगठन में ह्यूमन टच का संदर्भ में नहीं समझ पा रहा हूं। अगर संगठनात्मक स्तर पर हम लोगों ने हमेशा, ऐसा नहीं है, चुनाव को जीतना या हारने के आधार पर
राजनीतिक दल का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 1952 में मैं बना मानता हूं आपकी जनसंघ, मैं बिल्कुल बात हार जीत अलग है। सुनिए, मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। 1952 में बना जनसंघ और 98 में जाकर सरकार इनकी बनी, जब इतने बरस हो गए 40-46 साल, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अप्रासंगिक हो गए? क्या बलराज मदोगा अप्रासंगिक हो गए? क्या दीनदयाल उपाध्याय? सवाल अपने घर की है। सुनिए ना, सबसे पुरानी पार्टी आपकी, सबसे पुरानी पार्टी, मैं तो उनकी पार्टी विद द डिफरेंस वालों से बात ही नहीं कर रहा अभी। शुरुआती निशाजिया आ गई, उनका भी स्वागत है। मैं तो जो कहा, हम लोग जब जिसका मुखातिब होते हैं आपसे, देश की सबसे पुरानी पार्टी यहां से कहते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी में ये बात तो पूछने का किसी में, अगर वो उठा रहे हैं जी 23 वाले, उनको गुब्बारा कहकर नकार दें, इससे पहले तो ये सवाल पूछा ही जा सकता है ना आपसे कि जो कह रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, यहां से बात है। देखिए, आपको याद हो प्रतीक जी, तो एक बार पहले भी हम इस बहस में थे जब इसके पहले 5 राज्यों के चुनाव थे और आपने कहा था कि G23 कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है। तब मैंने आग्रह किया था कि वो सारे नेता आज इस बात को करने की अपेक्षा, जो जिस प्रदेश का नेता है उस प्रदेश में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करें। सारे अग्रणी संगठन कांग्रेस के और सारे नेता जो समर्पण भाव, ठीक है अबे जी, बिल्कुल ठीक, अबे जी बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात को मानता हूं 100%। कहने से पहले करना चाहिए, मैं मानता हूं आपकी बात 100%। लेकिन मैं शाजिया के पास जाऊं, शाजिया से पूछूं, नहीं पूछता शाजिया से, मैं शांतनु गुप्ता से भी नहीं पूछूंगा, अभी बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि वे कहेंगे कि भाई आपने उनसे क्यों पूछा, और ना ही मैं प्रेम कुमार जी से पूछूंगा, वो भी हो सकता है कि अपनी एक राय लेके आए। मैं यहां पे अतुल सक्सेना मौजूद हैं, अतुल सक्सेना जी, इसमें यह भी बात कही गई कि कुछ पार्टियों से गठबंधन कर लेना चाहिए था चुनाव लड़ने से पहले, और जो G23 उठा रहा है, एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते, उस पेरिफेरी में होने के नाते, आप ये बात बताइए सही है या गलत है जो कहा जा रहा है कांग्रेस के अंदर, आवाज उठाई गई, वो सुनी जानी चाहिए या नहीं सुनी चाहिए, वो एड्रेस की जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। शांत जी, अतुल सक्सेना जी। देखिए भैया जी, सबसे पहले तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, न्यूज 18 इंडिया परिवार को देता हूँ, देश विदेश के अपने सभी साथियों मित्रों को होली की बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और होली के रंगों की तरह ही आपकी जिंदगी में खुशियों का रंग रहे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। अब आपका सवाल जो मेरे से है उस पर मैं आता हूँ। देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उस पर अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम करती है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अब कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से जो है उत्तर प्रदेश में जमीन में नहीं है, और जब आप यदि बूथ स्तर पे नहीं है, जिले स्तर पे नहीं है, तो आपका रिजल्ट भी किस तरीके से आएगा वो आपको पहले ही समझना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई ही नहीं करेगा पूरे साल 5 साल, तो उसका रिजल्ट तो आपको समझना चाहिए कि क्या होगा, फेल ही होगा उसमें। दूसरा सवाल, जो पार्टी, जो बहुत पुरानी पार्टी है, मैं कहूँगा सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसकी हालत दिन प्रतिदिन जो है गिरावट उसमें आ रही है, तो गिरावट क्यों आ रही है, वो कांग्रेस को अपने अंदर चिंतन करने की जरूरत है। उसमें मैं क्या बताऊँगा, वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो देखे, बात करे, क्या उनकी कमजोरियाँ हैं उस पर चर्चा करे। आपने तो आपने, मैंने इसलिए भी सवाल पूछा था क्योंकि जब पिछला चुनाव हो रहा था 17 में, तो आपके परिवार में भी कलह मची हुई थी, और परिवार में कलह थी, हालांकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर तो थी, और वहां पर भी तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन आपने उसको रिजॉल्व तो कर लिया, आप खड़े हो गए। इस नाते, इस बिहाब से फिर सवाल मैं आपके पास आता हूँ। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको बता दूं, जो आप बार बार कहते हैं कि परिवार में कलह, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ये सब जो है ये एक र्यूमर है, पार्टी में कहीं किसी तरीके मैंने कहा है, उसको सॉल्व कर लिया, सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लिया, जितना पार्टी परिवार में प्रेम है उतना प्रेम आपको बामुश्किल किसी परिवार में मिलेगा, और छोटी मोटी बातें तो हर परिवार में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में। अतुल जी, आप थोड़ी देर में मेरे मुद्दे को, अतुल जी थोड़ी देर में आप डिबेट के सवाल के सीधे पॉइंट पे आएंगे। मैं प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आता हूँ, जी 23 में जो कहा गया वो ठीक कहा गया या बेमतलब का है, छोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए? प्रेम कुमार जी, देखिए सर, मेरा मानना यह है कि राजनीति में कोई भी घटना घटती है वो बेमतलब की नहीं। G23 का एग्जिस्टेंस जो है
वो एक प्रेशर ग्रुप है पार्टी में और उस प्रेशर ग्रुप को पार्टी फील कर रही है। आप सुन रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी से राहुल गांधी की बात हो रही है। अगर G23 को महसूस नहीं करती तो बात क्यों होती। लेकिन ये प्रश्न जरूर है कि ये G23 जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय बनती है, उसका एग्जिस्टेंस 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी क्यों है, इसको क्यों नहीं रिजोल्व किया गया, क्यों नहीं बातचीत की गई, क्यों नहीं खत्म किया गया। आज G23 में भी एक मत नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बोल रहे हैं। अगर कपिल सिब्बल जी ने कुछ कहा तो G23 की बैठक उनके घर पर नहीं हुई, ये बात भी समझने की जरूरत है। अगर इस माहौल में अगर G23 को देखती है पार्टी, इसको रिजोल्व करने की कोशिश करती है तो एक नई ताकत जो है उभरेगी। निश्चित रूप से सामने चुनाव आने वाले, संगठनात्मक चुनाव होना जरूरी है, वो और पहले होता तो अच्छा होता, लेकिन जितना जल्दी संगठनात्मक चुनाव हो, डेमोक्रेटिक दायरे में पार्टी पुनर्गठित हो, यही एक रास्ता है सारे सवालों का जवाब डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी प्रेम कुमार जी खड़े प्रेम कुमार जी बघेला साहब कहते हैं चालू रेस में घोड़े नहीं बदले जाते, आई हुई सरकार गंवा दी। बघेला साहब ने कहा बिल्कुल गलत नहीं कहा है, उन्होंने सही कहा है, लेकिन पार्टी को अगर डेमोक्रेटिक ढंग से खड़ी होगी तो निर्णय लिए जाएंगे, सही और गलत भी होगी, तब सवाल नहीं होगा। आपने एक एक, 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 एक पॉइंट रखा, मैं शाजिया आप ही के पास आता हूं। एक पॉइंट आपने कहा कि डेमोक्रेटिक वे से खड़ी होगी, ये सवाल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा डेमोक्रेटिक वे से खड़ी होगी, तो बहुत पॉइंट सॉल्व किए जा सकते हैं। शाजिया इल्मी, देखिए हाल ही में एक बहुत बड़ा लिटरेरी फेस्ट होता है इस देश में, तो वहां पे मैंने नेहरू जी के बारे में बात की और वहां पे परिवारवाद वगैरह सब इश्यूज आए, तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि अगर खुद से और कहीं पे भी, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कम्युनिटी हो, अगर खुद से वो सोच नहीं हो, बावजूद इसके कि कुछ सीनियर लोग उसी पार्टी के ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप बार बार लोगों का ये कहना कि आत्ममंथन का की जरूरत है, और मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है, लोग बाकायदा इस मांग को सामने रख रहे हैं, प्रस्ताव को भी रख रहे हैं, कभी दबे पांव, कभी ऊंचे स्वरों में, कभी बुलंद आवाजों में, और तब भी कोई शहजादा ऐसा बैठा है कि वो सुनना ही नहीं चाहता, तो बताइए आप क्या कर सकते हैं। मतलब इतना इतना ज्यादा कि आप जो है एक ऐसी कुर्बानी देने को तैयार हैं पूरी पार्टी की, उसकी गरिमा की, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपना आपको सच में दुख है। साजी आपको सच में दुख है या सोच रहे अच्छा है सिमट गए तो अच्छा है, सिमट जाने दीजिए, दूसरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी उससे निपटना आसान है। देखिए क्योंकि आपने मेरा इससे ना कुछ लेना देना है ना तो मेरा कुछ लुक्स है, मैं आपको बता रही हूँ कि कांग्रेस के अंदर भी जो रैंक को फाइल है वो ऐसा महसूस करता है। अडवाणी जी की चिट्ठी भूल गई, आप बुरा ना मानिए इस बात का, अडवाणी जी की चिट्ठी भूल गई, खुलकर कहा है जब नरेंद्र मोदी जी को आपने चार और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया था, सुनना पड़ेगा। देखिए तो बड़े भावुक होकर चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, आपने बहुत सी बातें कही लगातार भाजपा के बारे में, जब जो आपका अपने निजी हित साधने आगे मैंने सुनी है वो बातें, तो मुझे खत्म करने दीजिए, मैं बस एक मिनट में, एक आधे मिनट में खत्म कर दूंगी, 30 और सेकंड में आप बोलिए जितना बोलना है, मेरा देखिए कुछ लेना देना नहीं है। और शायद बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छी वजह है भाजपा के लगातार, लेकिन मैं आपको बता दूं भाजपा की जो भी, मैं विनम्रता से इस बात को रखूंगी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा जो है भाजपा के लिए वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, एक सच्चे मन से काम करना और अपने को देखते रहना और उसके हिसाब से चीजों का क्रियान्वयन करना। आप इम्प्लीमेंट वही कर सकते हैं जो आप सोचेंगे, जब आपकी विचारों में ही सच्चाई नहीं है, अपने खुद को लेकर आप पैमाने ही नहीं तय कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए लीडरशिप के, तो आप क्या कुछ अच्छा कर पाएंगे लोगों के साथ जो right, अपने लोगों को right, मतलब अच्छा नहीं कर right, पा रहे। शाजिया कहते हैं कि शाजिया का कुल मिला के ये कहना है कि जो घर घर की कांग्रेस होनी चाहिए, घर की कांग्रेस होनी चाहिए और बनाम सबकी कांग्रेस होनी चाहिए, वही मुद्दा है एक्चुअली में, हम घर घर में हैं और आप जो हैं कहीं नहीं है, ये बात है, हम मेहनत करते हैं आप मेहनत नहीं करते। दुबे जी देखिए, एक जो बार बार भारतीय जनता, पहले तो मैं बता दूं प्रतीक जी, देश भर को ये जानना चाहिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस युक्त हो रही है, चाहे वो प्रदेशों के स्तर पर हो या देश के स्तर पर हो, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बुनियाद के पत्थर हैं, उनको इस बात का बहुत बड़ा दुख है
कि नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसे राजनीतिक दलों से इंडक्शन कर रहे हैं और उनका अपमान। पंडित जी आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे, पंडित जी आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे, दूसरे के घर के बाहर कह रहे हैं कि आग लगी है। नहीं नहीं देखिए मैं एक बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। देश में दो प्रकार की व्यवस्था चल रही है, कह रहे हैं ना परिवार, परिवार नहीं परंपरा है वो त्याग और बलिदान की, इस देश पर अपने प्राणों को आहूत करने की परंपरा है, वंश नहीं है, विचारधारा है देश की प्रगति और समृद्धि की। इंसान को इस तरह सोचना, आज आज अपने ही परिवार की मोदी सरकार है, मोदी सरकार के काम करने का तरीका जो है ना ओलीगार्की, सुना है ओलीगार्की शब्द, चंद पूंजीपतियों का जो राजनीतिक दल में हस्तक्षेप है और चला रहे हैं, चाहे वो देखिए वो आप पोलैंड ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, आप पढ़िए जरा ओलीगार्की को, आपको पता लगेगा कि कुछ दिन तक उसका प्रतिसाद मिलता है, क्योंकि धनपतियों के लिए वो आपने यहाँ पर प्रारंभ किए, धनपतियों के लिए आपने देश की व्यवस्था को देखिए 1,002 करोड़ रुपए एक तरफ प्रतिदिन एक व्यापारी कमा रहा है देश का, 1,002 करोड़ रुपए और मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि किसान। अभय जी, अभय जी, अभय जी, अभय जी शाजिया, अभय जी शाजिया, दोनों को मैं रोकना चाहता हूँ। शांतनु जी हमें लखनऊ में मिले थे चुनाव में, चर्चा यही हो रही थी, तो शांतनु जी ने कहा कि देखिए दिक्कत क्या है बताएं, दिक्कत यह है कि इनके पास योगी और मोदी का कोई जवाब नहीं है, आप जब तक जवाब नहीं ढूंढ के ला पाएंगे, आपकी बात तो सुने कोई, आपसे रूम से बाहर निकले उसको इंप्लीमेंट करने लगते हैं कार्यकर्ता, आपकी बात सुनते हैं उसके बाद अरे छोड़िए, तो ये बात जो अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है। शांतनु जो आपने कहा था मैं वही सुनना चाहता हूं, और बताए अभय जी को सवाल का जवाब दें। शांतनु गुप्ता प्रतीक भाई, अगर मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भारत की देखता हूं तो उनका मेरे ख्याल से मोटो ये है कि अपनी एक आइडियोलॉजी है, किस तरह से चुनाव जीतें और उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें सरकार में आने के बाद, अपनी अपनी कार्यव्यवस्था को लागू करें। लेकिन कांग्रेस में पिछले 3 दशक से ऐसा हो गया कि गांधी परिवार को कैसे बचा जाए, चुनाव हारे जीते सरकार बनाए ना बनाए वो नहीं, गांधी परिवार को कैसे बचाया जाए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा वर्टिकल स्प्लिट्स हुए हैं, चाहे वो उड़ीसा में पटनायक हों, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार हों, चाहे आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी हों, चाहे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हूँ, सबको पता है कांग्रेस से निकली हैं। 2018 का इंडिया टुडे का मुझे कवर पेज याद है, जो मैगजीन का, उसमें लिखा था यंग टर्क्स, और उस यंग टर्क्स में सारे टर्क्स गायब हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया उसमें जो फोटो बनी थी, जितेन प्रसाद ने छोड़ दिया, आरपीएन सिंह ने छोड़ दिया, उसमें दो चेहरे बचे हैं, सचिन पायलट और राहुल गांधी खुद। अब सचिन पायलट भी बस मेरे ख्याल से चुनाव का वेट कर रहे हैं, वो कब निकल जाए पता नहीं, और राहुल गांधी खुद बचे हैं। तो जहां पे आप फैमिली का सेकंड नाम टैलेंट के ऊपर आ जाए, देखिए नड्डा जी अमित शाह जी से रिलेटेड नहीं है, वो गडकरी जी से रिलेटेड नहीं है, राजनाथ सिंह से रिलेटेड नहीं है, वो मोदी जी से वेंकैया नायडू से रिलेटेड नहीं है, अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा भाजपा का किसी को नहीं पता, ना पत्रकार को पता है ना भाजपा में किसी को पता है, और ये अच्छी बात है, जो उस समय तक अपनी मेरिट सिद्ध कर देगा वो बन जाएगा। तो जब तक ये टैलेंट पूल है, अगर मैं प्रतीक भाई आपको या हम दोनों को कंसल्टेंट मिल जाए कि हमें कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुनना है, टैलेंट पूल क्या है, हमारे पास टैलेंट पूल है बस प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बस ये तीन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेलना पड़ेगा। मेरे पास कुछ सालों बाद प्रियंका गांधी के 2 बच्चे आ जाएंगे। अगर आपके पास टैलेंट पूल इतना लिमिटेड है तो आप सच में मेरिट बेस्ड पार्टी नहीं चला पाएंगे। और ये मेरे ख्याल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कल्चर दे दिया है, कहीं अब्दुल्लाज हैं, कहीं यादव हैं, कहीं गांधी हैं, कहीं ठाकरे हैं, कहीं गौड़ाज हैं, कहीं पवार हैं, इसके बाहर टैलेंट नहीं क्या उन पार्टियों में? तो जब तक वो बाहर टैलेंट नहीं ढूंढेंगे मेरे ख्याल से पार्टियों का ऐसे ही हश होगा। राइट, अबे तुम्हें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बोलने के लिए 3 ही लोग हैं। अब टैलेंट पूल की बात करिए, मैं ऑफकोर्स अतुल सक्सेना आपके पास आऊंगा, जाओ प्रेम कुमार जी आपके पास भी, लेकिन मैं सबसे पहले अबे दुबे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कैसे खेले, 5 आदमी तो हुए कम से कम 6 आदमी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आरएसएस के जो विचारक हैं उन्होंने तीन नाम गिनाए, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद। अब ये भारतीय जनता पार्टी के टैलेंट पूल में शामिल हो गए। जितिन प्रसाद क्या कहते थे, योगी जी ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया तुमने उत्तर प्रदेश में, पूरा संगठन बना रखा था प्रतीक त्रिवेदी जी, किसे प्रभावित हुए तो सत्ता की लोलुपता थी जो उनको खींच कर ले गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे पार्टी तोड़ने के जस्ट पहले कि शिवराज तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं, इस विचारधारा को आत्मसात कर लिया, किसानों के खून से रंगे हुए हाथ के साथ आपने हाथ मिला लिया सिंधिया जी। आरपीएन मेरे साथ, सुनिए ना, मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे
वो कह रहे थे कि साहब 49,000 जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में योगी जी तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में हो रहे हैं, योगी जी 7,997 हत्याएं हो रही है जो उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 12,000 अपहरण प्रत्येक वर्ष हो रहे हैं, योगी जी सबसे ज्यादा है। इनके पास कुछ भी नहीं है विचारधारा के नाम पर भारतीय जनता। शांतनु 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 क्विक रिस्पॉन्स, चुनाव में क्या बताते हैं गजवाए हिंद, चुनाव में क्या बताते हैं जिन्ना, अब तो आरएसएस के छोटी सी बात कहूंगा शांतनु, राइट सर, राइट सर, मैं आया, मैं आया, अबे आया, संघ ने अपने कार्यक्रम जब कोई राजनेता पार्टी में होता है तो उसकी विचारधारा को मुखर करता है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पटल से बोला तो वो उनकी विचारधारा, मैं आया, अबे अबे बिल्कुल, अबे आप बिल्कुल बात उठा रहे हैं, मैं उस बात पे सुन लिया, मैंने बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है, शाजिया रिस्पॉन्ड करेंगी, मैंने अबे लास्ट सेंटेंस सुना है, अबे बता दूं एक मिनट, अबे डिबेट में, अबे डिबेट में अगर आप कुछ अनसुना करते हैं तो गलत माना जाता है, मैंने आपका लास्ट सेंटेंस सुना है और शाजिया ने भी सुना है, पहले भी बोला था आपने, अभी भी बोला, शाजिया जवाब देंगी, लेकिन शांतनु कुछ कहना चाहते हैं जी, बस मैं छोटा सा रिस्पांस दूंगा, जब भी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बोलते हैं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति बोलता है तो पार्टी की विचारधारा को मुखर करता है, उसको आज कोट करके डिबेट में लाने से मेरे ख्याल से कोई सार्थक हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेन प्रसाद, आरपीएन सिंह ने अपने समय में, उस समय में जो पार्टी ने उनको कहा, ये बोलने में अच्छे थे, बड़े नेता थे, उनसे बोलना, लेकिन वो सोनिया गांधी की विचारधारा है, वो राहुल गांधी की विचारधारा है, बिल्कुल नहीं, वो एक मोमेंट पे राहुल गांधी को खतरा लगने लगे कि ये तो ज्यादा स्मार्ट है, अगर ये ज्यादा चलते हैं तो राहुल गांधी ने संगठन बनाया था, जो भी व्यक्ति राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी को चैलेंज दे सकता है, उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है दूध में मक्खी की तरह। लेकिन देखिए मैं अबे इस बात पे शांतनु की इस बात पे मैं इसलिए हामी भरता हूं क्योंकि आप जब दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कुछ तो आप हमेशा तुरंत कहते थे ये दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का नहीं है, तब तो आप तुरंत अलग करते, लेकिन उसमें इस जब वो बोल लेते तब आपने ये नहीं कहा था, इसलिए इस बात का शांतनु की बात का मैं यहां पे हामी भरता हूं जी। नहीं, जितिन प्रसाद का कोई कांग्रेस का संगठन नहीं था, उन्होंने ब्राह्मणों का अपना व्यक्तिगत संगठन बनाया था, उस ब्राह्मण संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं प्रतीक त्रिवेदी जी, मुझे बताइए लालकृष्ण आडवाणी जी ने क्या चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो क्या कहा था उन्होंने कि अपना निजी हित साधने के लिए कुछ लोग आ गए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। मुरली मनोहर जोशी से पूछा कि कितने नंबर देंगे आप आपके प्रधानमंत्री जी का जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा जो विद्यार्थी कुछ लिखता है शाजिया जवाब देंगी, शाजिया इसका जवाब देंगी, और शाजिया बिल्कुल जवाब देंगी, शाजिया जवाब देंगे, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि सफाई है पार्टी में हो रही है, मैं मुद्दा वही है पुराना जहां से मैं शुरू की थी डिबेट जी। शाजिया इतने 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 परेशान हो गए हैं जो इनके हालात हैं आज के दौर में और इनके घर में जो जो चल रहा है, और इतने ज्यादा बेचारे परेशान हैं कि ढूंढ ढूंढ कर बेचारे अध्ययन कर रहे हैं क्या कुछ ये बोल सकते हैं, और उनको यकीन नहीं आ रहा है, परखच्चे उड़े हुए हैं इनके घर में और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेचारे ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ उठा उठा के कुछ कर रहे हैं और चाह रहे हैं मैं जवाब दूं। आप जवाब दीजिए, आप अपने ही आपके जो घर के सदस्य हैं उनके जो 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 इतनी जो जिल्लत महसूस करते हैं, जिनको बाकायदा इतनी बेअदबी से ट्रीट किया गया, बदसलूकी जिनके साथ हुई है कई बार, जो आप ही के लोग जो उनके घर में जाकर उन पर अंडे और टमाटर फेंकते हैं, आप बताइए उनके बारे में क्या राय है। और यहाँ पे जो कुछ भी हमारे घर में हुआ है वो सब ठीक हुआ और वो सब साथ साथ कई बार अनेकों बार दिखाई दिए। देखिए मैं बताऊं अभय जी बहुत सीधी सी बात, आप अडवाणी जी की बात कर रहे थे, इस्तीफा लेना था तो संगठन के आदमी ने गया बढ़ा आगे और इस्तीफा ले लिया, ठीक है, वो घटना बहुत दिनों तक चलती रही, परिफेरी पे बहस होती रही, बहुत सारी डिबेट होती रही, ले लिया इस्तीफा, था सही था गलत था क्या था वो अन्यथा बात है, लेकिन पार्टी के अंदर डिसिप्लिन और संगठन कैसे होता ये उन्होंने बता दिया कि देखिए साहब हमारा ये हम नहीं मानते, एक बात उन्होंने कही। अब सवाल ये है, नहीं, आपने सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया, अब एक सवाल मैं यहां रखता हूं, इस वाक्य को आप ले पाएंगे या नहीं जो आप ही के पार्टी के अंदर एक आदमी उठाता है, सोनिया के बाद सही आदमी ने पार्टी नहीं संभाली, इसका जवाब। देखिए प्रतीक जी, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे, विश्वास मानिए पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की आज भी ये भावना है कि राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष हों, वो नेतृत्व को स्वीकार करें और वो दृढ़ता से, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं,
वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं देश की। पर खच्चे उड़ाने की बात जो अभी शाजिया जी कर रही थी ना, इस देश के नौजवानों के रोजगार के पर खच्चे मोदी जी ने उड़ा दिए। इस देश के संसाधन एक के बाद एक 5,35,000 करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान से भागे हैं नीरव भाई, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, अग्रवाल बंधु, सब पर सत्ता की सरपरस्ती का हाथ रहा है। उसकी लड़ाई राहुल गांधी अकेला लड़ रहा है, दृढ़ता से लड़ रहा है। कोई प्रतिपक्षी नेता ने साहस नहीं दिखाया कि वो ये सारी लड़ाई लड़ पाए। आज ठीक है अभय जी, अभय जी मैं प्रेम जी, प्रेम जी मैं आपके पास आता हूँ। प्रेम जी, अभय जी ने कहा ये अकेला व्यक्ति वो लड़ रहा है, ठीक है, अच्छे अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, संघर्षशील हैं, प्रियंका ने यूपी में संघर्ष भी किया, हर मुद्दे पे वो सड़क पे दिखी, इस पे दो राय नहीं। अभय जी इसको कहना चाहिए, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो दिखी सड़क पे थी, लड़ रही थी, चेहरा विजिबल था, पार्टी ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, बात कही और बात सुनी गई, कही गई जहां पार्टी नहीं दिख रही थी। लेकिन प्रेम कुमार जी मैं सेंटेंस फिर वही दोहराता हूं, इस बात को कहेंगे कि सोनिया के बाद सही आदमी ने पार्टी नहीं संभाली? देखिए प्रतीक जी, और सवाल यह कि आप इलेक्टोरल, प्रेम जी आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, ये पूछिए इनसे, समाजवादी पार्टी से, सरकार नहीं बनी तो फिर कैसे सरकार बनाई, क्योंकि कार्यकर्ता हताश होता है, कैसे होगा क्या होगा, ये सवाल खड़ा होता है। प्रेम कुमार जी देखिए, देखिए प्रतीक जी, आज भी कांग्रेस पार्टी के पास में सोनिया गांधी हैं, वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रही, वो तो लोग पता नहीं कैसे बोल रहे कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन होता है और कांग्रेस जीतती है तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? क्या कांग्रेस वहां खड़ी नहीं है? हम ये कह रहे हैं कांग्रेस एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रही है जिसमें हिंदुस्तान के उद्योगपति, हिंदुस्तान के बाहर का जुकरबर्ग जैसे लोग ये व्हाट्सएप और फेसबुक सबको हड़प करके कांग्रेस के खिलाफ जो साजिश हो रही है, इस लोकतंत्र को जो लूट का गला घोटा जा रहा है। लीजिए अब शांतनु गुप्ता आप बताइए, इसको जवाब दीजिए, बात नेता की थी, बात नेता की चुनने की थी, शांतनु विल रिस्पॉन्ड, बात नेता की चुनने की थी, लेकिन बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए ये बात बन नहीं पा रही। मैंने आपका सवाल सुना, अगर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड। जी मैंने सवाल आपको सुना ध्यान से। जी प्रतीक, जो मैं आपके टीवी में कांग्रेस के प्रवक्ता की या उनके समर्थनों की समर्थक की डिबेट सुन रहा हूँ या जो बाहर भी सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो ठीक होने की उम्मीद में भी नहीं लग रहे हैं। वो कह रहे हैं मतलब वही ईवीएम खराब है, फेसबुक खराब है, ट्विटर खराब है, जब आप जीते थे शांतनु एक बात मुझे पूछने दीजिए। अभय जी, अभय दुबे जी, पंडित जी एक सवाल का जवाब दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी मनी मनी सोच रहे हैं यार सवाल तो सही उठा रहे हैं जीते इस वाले, उठा लेने दो, ठीक ठीक सवाल उठा रहे हैं, अब हम करें क्या, मजबूरी है मुझे डिफेंड करना है, लेकिन सवाल जीते इस वालों ने गलत नहीं उठाए, ऐसा तो नहीं है कहीं? प्रतीक जी मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, आज देखिए जो ये बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश भर में एक अधिनायकवाद जो इन्होंने बताया ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद गिनिएगा उंगली पर, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ ये हारे, राजस्थान हारे, पंजाब हारे, दिल्ली हारे, बिहार हारे, तमिलनाडु हारे, आंध्रा हारे, उड़ीसा हारे, वेस्ट बंगाल हारे, पुदुचेरी हारे, लगातार प्रांत हारे। और जब कांग्रेस का चरम था ना, तुलना मत कीजिए कांग्रेस से, कांग्रेस जब कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, और वो समय कांग्रेस का फिर आएगा। मैं फिर कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी खुद चुनाव हार गए थे तो वो अप्रासंगिक नहीं हो गए थे नेतृत्व को, ये सही बात है कि आज हमको आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना है। और एकमात्र नेता है राहुल गांधी जो विश्वास मानिए ये भविष्य के गर्भ में जो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा वो भारत का भविष्य लिखा जाएगा। शांतनु, शांतनु गुप्ता मैंने आपको टोक दिया था, शांतनु गुप्ता मैंने आपको टोक दिया था, क्या है राइट सर, भाजपा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कोई चुना हुआ है पार्लियामेंट्री बोर्ड बताइए, एक मेंबर भी चुना हुआ है, सारे निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है इनका, राइट अभय दुबे, कोई चुना हुआ व्यक्ति, राइट अभय दुबे, शांतनु गुप्ता कहने का मतलब ये गर्भ की गर्भ में एक बीज पड़ा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, और फिर एक दिन आप कहेंगे जब डिबेट होगी कभी तब उसमें ये बात आएगी कि देखिये मैं तो पहले ही कह रहा था, अभय दुबे कहेंगे देखिए मैंने पहले कहा था, लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे शांतनु गुप्ता।
शांतनु गुप्ता, नाउ यू प्लीज कंप्लीट योर जी। प्रतीक भाई, जब अभय जी को ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु हार गई, भारतीय जनता पार्टी केरला हार गई, भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश हार गई, वहां तो वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी भी नहीं थी, वहां तीनों जगह कांग्रेस जीतने की स्थिति में थी। अब कांग्रेस को तमिलनाडु में किसी के साथ जाना पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश में वो गायब हो चुके हैं, केरला में उनका संगठन नहीं आ पा रहा है, तो उसमें भाजपा नहीं है। अब वो ऐसे प्रदेश गिरा रहे हैं केवल अपने आर्गुमेंट को कहने के लिए कि वहां भाजपा आ गई। कांग्रेस इस समय केवल दो प्रदेशों में है और दो प्रदेशों में आम आदमी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव जीत रही है पंजाब में, या और दल कैसे चुनाव जीत रहे हैं? वो पॉइंट लिया है राइट सर, शांतनु गुप्ता आप डिबेट में वो पॉइंट लिया है जो मैं चाहता था डिबेट में आए। सर कहा यह जा रहा है कि रिप्लेस हो गए, आप रिप्लेस कर दिए गए, भविष्य में रिप्लेस हो जाएंगे, और बीजेपी इसलिए मुस्कुरा रही है शाजिया कि जगह लड़ाई आसान हो जाएगी, मेरी और आसान हो जाएगी जी। अब नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, मत दूर जाइए आप राजनीतिक दल जो है, अभी दिल्ली में जितनी सीटें हैं इसकी, इसके पहले टर्म में उससे भी अधिक थी, उठाकर देख लीजिए लोकसभा में उनका वोट परसेंटेज और कांग्रेस का, उनके और कांग्रेस के वोट परसेंट में जमीन आसमान का अंतर है दिल्ली में, दिल्ली के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। रीजनल पार्टियों का स्वभाव रीजनल है और वो रहेगा। कांग्रेस पार्टी समूचे देश का प्रतिनिधित्व करती है और भविष्य में फिर से वो अच्छा प्रतिनिधित्व करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी बिल्कुल ठीक कहा एक मेरे साथी ने कि हर तरह से क्यों पूरे समय अपने पार्टी की अपेक्षा प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को केंद्र में रखकर काम कर रही है, क्योंकि ये जानते हैं, ये भयग्रस्त है राहुल गांधी जी से, जिस दृढ़ता से वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की आवाज उठा रहे हैं, चाहे इन्होंने मजदूरों को दरबदर की ठोकरें खाने के लिए भेज दिया हो, चाहे नोटबंदी में इस देश के एमएसएमई 60 लाख राइट सर परमानेंट, मैं अबे बिल्कुल आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं शाजिया, गलत जी है शाजिया जी, और क्योंकि अभी तो जो मौजू पे बात हो रही है मैं उसी पर बात करूंगी, इस पर तो मैं बहुत बातें कर सकती हूँ और मेरा भाषण बहुत लंबा होगा, बल्कि बाकायदा आंकड़ों के साथ होगा। खैर बाद में आते हैं, तो आपने बात, आपने पश्चिम बंगाल वगैरह के बात की, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी अभय जी, पहले तो आप ममता जी को हरा दीजिए पश्चिम बंगाल में जाकर, हिम्मत तो कीजिए, आपको तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया अखिलेश जी ने, दो दिल्ली से जो लोग चले थे, तो आप बताइए क्योंकि कहीं घास भी नहीं डाली। एक बार जरूर में सलाम दुआ हो गई प्रियंका जी और अखिलेश के बीच में एक रोड यात्रा के, वैसे तो घास तक नहीं डाली किसी ने आप पर, और आप एक और बात मुझे बताइए, नवीन पटनायक की आप याद कर रहे थे उड़ीसा की, नवीन पटनायक के बारे में बताइए, और फिर बताइए मध्य प्रदेश में कैसे क्या हुआ, मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, आप बहुत नाम गिना रहे, मैं एक एक राज्य की बात करने को तैयार हूँ, केरल में क्या हुआ ये बता दीजिए आप, और आप क्यों क्या हुआ केरल में, आप कहाँ है बताइए ना, एनडीए पर सहारा ले लेते हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उतारा था, कभी आम आदमी पार्टी का ले लेते हैं, श्री धरन जी को सारी पार्टियों से उम्मीदवार बनाया था, समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 75 ईयर से ऊपर हम नहीं देंगे, मोदी जी ने विरोधियों को साफ करना था, खत्म नहीं करती आप, इतने उतावले हो गए, कानून बना दिया वहाँ 80 साल के व्यक्ति को बिचारे को टिकट दिया, वो स्वयं भी चुनाव, वो भी चुनाव हार गए, जवाब देने आप देना नहीं चाह रहे जवाब, मध्य प्रदेश हारे कि नहीं, आप क्यों डर के मारे मैदान, और आप सत्ता हथियाई आपने, राहुल गांधी ने आप राजस्थान हारे कि नहीं हारे, आप छत्तीसगढ़ हारे कि नहीं हारे, आप हमारे तो आप कहाँ थे, आप अरे हम तो है अभी, हम तो नंबर 2 की पार्टी रहे, आपने क्या किया बताइए तो सही, आप बताइए ठीक है, आप पोलराइजेशन करके कुछ चुनाव जीत लेंगे, पोलराइजेशन आप जीत खड़ी कर लेंगे, आप युवाओं के रोजगार को हरा करके, किसानों की जिंदगियों को हरा कर, उनकी जिंदगी को रोंद कर, लेकिन एक बात सच है अतुल सक्सेना जी, एक बात अतुल सक्सेना जी, एक बात सच है, अभय दुबे जी भी कह रहे हैं कि बेरोजगारों वाली बात, महंगाई वाली बात, सारी बात, लेकिन चुनाव में आपकी, आपने भी यही बात कही जो कांग्रेस कह रही है, लेकिन आपकी बात ज्यादा सुन ली गई, लेकिन जब तर्क आया डिबेट में तो अभय दुबे जी ने कह दिया कि आप तो रीजनल पार्टी हैं, हम तो नेशनल पार्टी हैं, हम नेशनल, मेरा कलेवर नेशनल है, लेकिन आपकी बात सुनी गई, लोगों ने यूपी में सुना कम से कम आपको, लेकिन जब बात आती हिस्सेदारी की तो आपसे कहा जाता आप तो रीजनल पार्टी है, आप रीजनल नहीं रहेंगे, हम नेशनल हैं, आपको पीछे खड़ा होना पड़ेगा, यही कुछ गैप आता है जी। देखिए प्रतीक जी, जो अभय दुबे साहब ने बात करी, देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि रीजनल है या नेशनल है, आपके मुद्दे क्या है, वो राष्ट्र आपको देख रहा है,
रहा सवाल राष्ट्रीय पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी के लिए सब डिनोमिनेशन हैं कि किस लेवल पे जाकर के आपका वोट शेयर कितने पूरे हिंदुस्तान भर में कितना होना चाहिए, कितने स्टेट में आपकी पार्टी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। परंतु वही दूसरी तरफ पूरा राष्ट्र जब आप चुनाव में जाते हैं तो केवल एक राज्य नहीं, आपके आपके ऊपर पूरे राष्ट्र की निगाहें होती हैं और राष्ट्र देख रहा होता है कि आपके राष्ट्र के मुद्दे क्या है, राष्ट्र के हितों के मुद्दे आपके क्या है। जहां तक भाजपा की यदि मैं बात करें, देखिए शाजिया इल्मी जी आज भी जिस तरीके से भाजपा का प्रचार प्रसार यहाँ पे कंटिन्यूअस होता रहता है, उसके बावजूद भी इनमें बेचैनी है, जो बात करने का इनका स्टाइल है वो बेचैनी से भरा है। ऐसा लगता है भाजपा में कहीं ना कहीं बौखलाहट किस चीज की है, मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ। आप भी मीडिया वाले भी 24 घंटे होते नहीं है प्रतीक जी, आप भी मोदी जी को दिखाते, देखिए सूट बूट पहन लिया चुनाव आने वाला है। अरे आप ये बताइए, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं उन राज्यों में क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, उन राज्यों में क्या महंगाई खत्म हो गई? क्योंकि मेरा नाम लिया गया, मैं जानना चाह रही हूं मेरे बारे में क्या कहा। उन राज्यों से आपने क्या देने का काम किया, जानना चाह रही हूं आपने बातें करी है। जहां तक उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है पिछले 5 साल में जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में गए थे, वो लोगों को पता है जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनके लिए कृषि कानून जबरदस्ती थोपे गए, हमने किसानों के साथ। अच्छा मुझे देखिए आप लगातार जी मैं दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ शाजिया, आप ही के पास आ रहा हूँ, शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ, नाम लिया क्या, शाजिया शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ, शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ, नहीं शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ, शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ जी। शाजिया शाजिया अतुल सक्सेना ने कहा, अतुल सक्सेना ने कहा कि जहां एक तो मीडिया के ऊपर एक कमेंट किया उन्होंने, मैं पूरा ध्यान से नहीं सुन पाया, लेकिन मैं अगर करेक्ट कर देंगे अतुल सक्सेना करेक्ट कर दीजिएगा अगर मुझे थोड़ा सा लेफ्ट और राइट हुआ हो। लेकिन शाजिया उन्होंने एक बात तो कही जो बहुत साफ सुनाई पड़ी, उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछिए जहां जहां बीजेपी की सरकार है क्या वहां बेरोजगारी के मुद्दे दूर हो गए, क्या वहां पर वो सारे मुद्दे महंगाई के मुद्दे दूर हो गए, ये बात। और एक दूसरी बात उन्होंने कही जहां से शुरुआत की कि आप एक तरह की बेचैनी है, वो बेचैनी क्यों है, ये क्यों नहीं पूछी जाती आपसे? देखिए ये उनका नजरिया है और मुझे तो कोई बेचैनी नहीं नजर आ रही है, मुझे लगता है उनकी बातों में उनको बेचैनी दिख रही है, तो सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। मुझे उनमें बेचैनी नजर आ रही है, बेचैन कौन है, कौन भटकती आत्मा है मैं नहीं कह सकती, वो तो खैर दर्शक तय करेंगे, मैं कितनी बेचैन हूँ। मैं बड़ी बेचैनी से सुनना चाह रही थी कि कह क्या रहे हैं, तो उसमें जरूर मुझे बेचैनी थी। खैर मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए जनता ने देखा है कि पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन कितना बड़ा है और कितनी मुद्रास्फीति हुई है, और दुनिया ये भी देख रही है कि पैंडेमिक के वक्त में क्या 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 सूरत हाल रहा है और किस तरह से भाजपा ने और भाजपा की सरकारों ने कैसे उससे डील किया। रही बात बेरोजगारी की, तो उस दौरान भी अगर उसको कंपेयर किया जाए अखिलेश जी के राज में तुलना की जाए तो उसके बावजूद भी नौकरियां बढ़ी हैं, और उसके बावजूद इसके कि महामारी के दौरान लोगों की इतनी नौकरियां गई क्योंकि काम नहीं था, लोगों को घर में राशन मिला और लोगों ने इसके लिए सच में दुआ के साथ वोट भी दिया, दुआ भी दी। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, लोग ये सोचते हैं अगर वो ठीक करने वाला भी है इसका ना तो यही सरकार करेगी, इनसे तवक्को भी नहीं है कि वो लोग करेंगे, तवक्को यानी कि उम्मीद भी नहीं है। ठीक है प्रेम कुमार जी मैं आ रहा हूँ, अबे बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड करिएगा, बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड करिएगा जो शाजिया ने कहा, बिल्कुल आपका हक है बोलने का। लेकिन प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, अधीर रंजन जी ने कहा कि मैं बिल्कुल सीधा सवाल है, पॉइंटेड सवाल है आपसे कि ये लोग कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हैं, कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए बैठक कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं ये बात सही है? अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि सिब्बल साहब क्या बैठक नहीं की उन्होंने बाहर की, तो ये सवाल जो पूछा गया वो इसी बिहाप पे पूछा गया कि ये लोग कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हैं और कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए बैठक कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी देखिए प्रतीक जी, जब पब्लिक डोमेन में बात आ रही है तो एक नेता कुछ बोले दूसरा उनका जवाब दे रहे। अब हम अधीर रंजन जी के सवाल का जवाब दे, कपिल सिब्बल जी के सवाल का जवाब दे, इसके बजाय ये कहना ये जरूरी है कि ये अब आप अपनी बुद्धि से बोलिए, जो आपका मन हो आप वो बोलिए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्यों इसलिए बुलाया मैंने आपको। क्या वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्थिति बनी है ये आलाकमान जो है जितनी जल्दी हो इलेक्शन प्रोसेस में सबको ले जाए,
हार का जैसे मंथन हर बार होता है, करे देखिए बीजेपी भी हारती है, उनके यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है मोदी मैजिक नहीं चलता है तो मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा तो दिलीप घोष को ही देना पड़ता है ना, तो ये होता है। तो ये पूरे पार्टी पूरे हिंदुस्तान पे इसी तरह से पार्टी चल रही है। तो कांग्रेस में ये बोला जाए कि भाई इसका इस्तीफा सोनिया गांधी दे दे, प्रियंका गांधी दे दे, इस तरह की बातें उठाई जा रही है। तो हमारा कहना है कि इलेक्शन के बाद मंथन होना चाहिए और ये जो आवाज उठ रही है G23 की, इसको एक सवाल का फिर जवाब और दे दीजिए, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं अभय जी के पास जा, पंडित जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। तो ये जो मोदी मैजिक है और जो शख्सियत है बाक्स, उसके सामने कौन खड़ा होगा, कौन लगता है आपको खड़ा हो सकता है? सवाल बिल्कुल सीधा है, आप ही से पूछा है, बताइए फिर। जी जी बिल्कुल, ये सवाल हमेशा से बना रहता है, जब विपक्ष के सामने हमेशा बना रहता है, इस बार भी बना हुआ है। और ये चूंकि कांग्रेस प्रतिपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो कुछ भी राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के समांतर सियासत खड़ी होगी वो गठजोड़ की सियासत होगी, अकेली पार्टी नहीं होगी, और उसका नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस के तरफ से कौन नाम बस होगा? यही तो पेच है, यही पेच है। अतुल सक्सेना शायद इस पर सवाल उठा देंगे, और यही पेच बसा हुआ है कि नहीं कांग्रेस के अलावा कोई नहीं, और यही बात अभय जी भी कह रहे थे, क्योंकि वो तो रीजनल है, क्योंकि वो रीजनल है, 150 सीट पाए हैं, वो रीजनल है, रीजनल फोर्स है, और हम नेशनल पार्टी है, शायद यही पेच है। मैं आ रहा हूँ शाजिया, आ रहा हूँ शाजिया, आ रहा हूँ, मैंने अभय जी से बोला था, अभय जी फिर शाजिया मैं आपके पास, अभय जी, अभय दुबे जहां मैंने छोड़ा वहीं से जवाब दीजिएगा, अभय जी जहां छोड़ा है वहीं से जवाब दीजिएगा। जी जो अभी आपने आपने पूछा ना कि मोदी मैजिक के सामने कौन खड़ा होगा, जी मोदी मैजिक के सामने वो जो करोड़ों युवा जो बेरोजगारी की आग में झोंक दिए गए वो खड़े होंगे। फोकस होइए, देखिए अभय दुबे जी फोकस जवाब दीजिए, अबे दुबे जी फोकस जवाब दीजिए, बिल्कुल फोकस जवाब दीजिए, लड़ाई लड़नी है आपको 24 की लड़ाई नहीं, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसान जो रोन दिया गया वो जवाब देगा, वो बच्चियां जो बलात्कारियों के आगे विवश खड़ी कर दी गई थी वो जवाब देगा। अरे अबे दुबे जी फर्स्ट फेज हुआ, अबे जी फर्स्ट फेज हुआ वही वेस्टर्न यूपी, वहीं पे जाट, वहीं पे मुसलमान, और वहीं सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट, वहीं सबसे ज्यादा सीट, कैसा कैसा फिर करे बताइए। ये जो मैथमेटिक्स दिखाई देता है ना बीजेपी की सीट का, उसके पीछे के केमिस्ट्री भी है। एक अखबार वही तो बात है, केमिस्ट्री नहीं बन रही, सुनिए ना मैं बता रहा हूँ क्या केमिस्ट्री है। 122 बसपा की सीटों के उस अखबार ने स्टोरी की कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट वितरण किया। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता कि क्या उत्तर प्रदेश में हुआ, सिर्फ दो बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। एक गंभीर जो बात कही है शाजिया जी ने, उन्होंने कहा था कि ये कोविड की महामारी, इसकी आड़ में मत छुपिए, क्योंकि NSSO की जो रिपोर्ट थी 2017-18 की, उसने सबसे पहले ये बात बताई थी कि हिंदुस्तान में 74 साल बाद रूरल कंजम्पशन 560 रुपए रह गया है। वो इसका बहुत तफसील से, अच्छा आप देखिए, उसने ये बताया था कि 45 वर्षों के बाद की सबसे भीषण तब बेरोजगारी हो गई, जो जो हाथ दी गई है उसके लगातार पूरी तरह से बताई थी। मैं पूरा आपको लिखकर मैं ट्विटर पे आपको भेजूंगी, मेरा पुराना डिबेट इसमें रहा है, नीचे गिर रही थी। बाकायदा कहा है कि जो लोगों ने लोन लिए हैं 58 साल के से निचले स्तर पर चली गई थी कोविड के पहले, ये क्यों हुआ था प्रतीक जी? ये इसलिए हुआ था, नहीं नहीं देखिए आप को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़े अच्छे मूड में लाने के लिए, उनको उनका मूड बहुत खराब रहता है। उनके लिए गाना मैं आपको भेजूंगी, मोदी जी ने बरेली की रैली में कहा था कि किसान भाइयों भाई मेरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, 27 रुपए प्रति दिन है, ना साइकिल है, अरे आप तो वहाँ पैदल ही जाना है, तो ये आपके लिए है। और अतुल जी जो बार बार हमें बेचैनी की बात बता रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा काम बताइए, 84 चैन कोई चैन की आमदनी आपने घटा दी। अच्छा ठीक है, अबे जी इसमें तो इलेक्शन हो गया, अबे जी इसमें तो इलेक्शन हो गया, मोटे तौर पे बहस हुई, पूरे 3 महीने बहस चली, मुझे तो एक सवाल का जवाब दीजिए अबे जी, मुझे तो एक सवाल का जवाब दीजिए, इसमें तो बहस हुई, सबने सुनी और सुन सुन के सब ऊब गए, सबने वोट दिया, जम के वोट दे दिया, जितने फीसदी वोट हुआ। मुझे एक सवाल का जवाब, अहमद भाई के बाद
अहमद भाई के बाद सलाहकार का अभाव है, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, सलाहकार का अभाव है? हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में इतने विज्ञ और विद्वान लोग हैं कि वो राहुल गांधी जी के साथ दृढ़ता से नेतृत्व में सब साथ देंगे और फिर से हम भारत के उत्थान की एक नई कहानी लिखेंगे। और एक बात और बता दूं, राहुल गांधी जी व्यक्ति केंद्रित राजनीति में बिल्कुल आस्था नहीं रखते। प्रतीक जी, जितनी बार भी मेरी भेंट हुई, इस बात का आभास उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे कराया कि वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति इस देश में। बहुत छोटा सा आंसर, बहुत छोटा सा आंसर शांतनु गुप्ता, बहुत छोटा सा आंसर शांतनु गुप्ता, वेरी क्विक शांतनु। प्रतीक जी, जिस दिन अभय दुबे जी ये सोच पाएंगे कि वो भी टीवी में बैठ के एक दिन पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, उस दिन कांग्रेस का उद्धार अपने आप हो जाएगा। एक ग्लास सीलिंग है कि उसके ऊपर आप बढ़ ही नहीं सकते कांग्रेस में। भाजपा में ऐसा नहीं, अगला अध्यक्ष जो होगा वो किसी को नहीं पता। चुनाव कौन रोकता है आपको जी? बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।